नमस्कार, मैं मुस्कान मंडल, कक्षा 10वीं की छात्रा। आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर मैं विजया मैम की विदाई समारोह के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय से विजया मैम को अवकाश प्राप्त हो चुका है, यह कुछ हर्ष और कुछ विषाद की बात है। क्या हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सफलता के लिए शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक अच्छे शिक्षक समाज में अच्छे इंसान बनने और देश के अच्छे नागरिक बनने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि शिक्षक जानते हैं कि विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य है और किसी भी देश का भविष्य शिक्षकों के हाथों में है। शिक्षक के बिना हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपने हमारे विद्यालय में शिक्षण के क्षेत्र में एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में कई अधिक योगदान दिए हैं। आपके सहयोग ने विद्यालय के हमारे सभी कार्यक्रमों के आयोजनों को बहुत ही आसान और रुचिपूर्ण बना दिया है। वैसे तो आप हमेशा ही हम सभी के हृदय में निवास करती हैं और करती रहेंगी, किंतु सरकारी कानूनों द्वारा आपके विशेष आयु होने पर आपको विद्यालय से अवकाश लेना ही पड़ता है। आप आज स्कूल से तो जा रही हैं, परंतु हमारे हृदय में आपका एक उच्च स्थान सदैव बना रहेगा। आपके द्वारा दिए गए विचारों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे एवं आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर मैं पंडित जीवन मिश्र जी द्वारा लिखी दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। घर एक ही रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। घर एक ही रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। फूलों का चमन रह जाता है, माली बदलते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे उन्नति करो। बहुत अच्छा लगा, तुमने स्पीच तैयार किया था। उस दिन भले ही तुमको बोलने का मौका नहीं मिला था, नो प्रॉब्लम, पर आज तुमको मौका मिला और तुम हमारा स्पीच सुन करके मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू बेटा। ओके, बाय।